तो हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आपका स्वागत है हमारा SS एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो आज का मोटिवेशन है, तारों में अकेला चांद मुस्कुराता है, तारों में अकेला चांद मुस्कुराता है और मुश्किलों में अकेला इंसान डगमगाता है। तो आज हम लोग प्रश्न वाले 5.2 का प्रश्न संख्या 1 को हम लोग हल करेंगे। क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए, जहाँ AP का प्रथम पद A, सारवंतर D और nवां पद तथा AN है। ध्यान देंगे, A दिया हुआ है, D है, N है और क्या है? AN, मतलब ये चारों पद है, ठीक है। जिसमें से एक मान कितना दिया हुआ है? 7 दिया है। डी का मान कितना दिया है? 3 दिया हुआ है। एन का मान कितना दिया हुआ है? 8। और एन का मान क्या है? क्वेश्चन मार्क निकालना है। तब ध्यान देंगे, हल हम लोग क्या लिखेंगे? AP का प्रथम पद ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 7। सार अंतर डी कितना है? 3। और पदों की संख्या एन कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। तो क्या निकालना? अंतिम पद का है, अंतिम पद को बोलते हैं हम लोग AN इक्वल टू क्या है आपका? क्वेश्चन मार्क। ध्यान देंगे, ए मतलब AP का प्रथम पद ए कितना दिया हुआ है? 7। सार्वांतर को बोलते हैं डी कितना दिया हुआ है? 3। एन पदों की संख्या कितना दिया? 8। और AN अंतिम पद कितना दिया? क्वेश्चन मार्क। तो ध्यान देंगे, ए हमको पता है, डी भी पता है, एन भी पता है, एन पता है, तो थोड़ा सा समझ सकते हैं हम लोग बात को। 2, 4, 6, 8 इस तरह से संख्या है, तो इसको बोलेंगे हम लोग प्रथम पद। मतलब ए आ जाएगा कितना? 2। इसका अंत तक मान चलिए 8 है, 10 है, इस तरह से लास्ट में है इसका मान चलिए 50 है। कितना है लास्ट में? कितना है? 50 है। तो क्या करेंगे? यहाँ देखिए, AP का प्रथम पद ए 7 है, तो ए कितना इसमें आ गया? 2 आ गया। अब बात रहे सार्वंतर डी, तो डी कितना आ जाएगा? डी तो दूसरा में पहला घटा दीजिए, तो 4 माइनस 2 तो कितना जाएगा? 2। मतलब दूसरा में का घटाते हैं हम लोग? पहला पद, तो 2 आ गया। टी भी हमको समझ में आ गया। अब पदों की संख्या एन, तो यहां से लेके यहां तक लास्ट है ना, कितना पद है? तो मान लिया जाए ये 50 है ना, तो मान लिया जाए 40 तक है, इस तरह 1, 2 इस तरह गिन गिन है ना, या मान लिया जाए 25 है। कितना है? 25 है, तो एन बन जाएगा 25 बन जाएगा। और अंतिम पद, तो अंतिम पद कितने? पहला पद 2 है और अंतिम पद कितना है? 50 है, तो अंतिम पद AN कितना हो जाएगा? 50। तो सारा चीज़ समझ में आ गया आप लोग को। प्रथम पद 2 है, सार्वंतर डी, तो दूसरा में पहला घटा देते हैं, समझा दे एग्जाम्पल देखा है ना कि AD, AN और AN क्या है। पदों की संख्या, तो कै गो संख्या? 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह काउंट करेंगे तो पद की संख्या निकल जाएगी एन। अंतिम पद, प्रथम पद 2 है तो अंतिम पद कितना है? 50 है, इस तरह से, ठीक है। यहाँ तक भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, चूंकि AN का फॉर्मूला होता है a+n-1 × d, कितना आसान फॉर्मूला है ना, AN बराबर a+n-1 × d। आप ध्यान देंगे, AN तेन हमको निकालना है, बराबर के नीचे बराबर A, तो A कितना दिया हुआ है? 7, प्लस है तो प्लस, फिर ब्रैकेट दे दिए N, तो N कितना है? 8 माइनस 1। और d कितना दिया हुआ है? देखिए तो 3 दिया हुआ है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखिए फॉर्मूला AN निकालना हमको, तो AN बराबर a+n-1 × d। a कितना दिया है? 7, प्लस है तो प्लस, n कितना है? 8 माइनस 1 है तो 1, और d कितना है? 3 है। अब ध्यान दीजिएगा,
बराबर के नीचे बराबर, सात का सात प्लस आठ में घटाएंगे तो कितना बचेगा, सात इंटू डी, डी कितना है तीन, है दिया तीन बगल में, बराबर के नीचे बराबर, सात का सात प्लस सात तिया इक्कीस, बराबर के नीचे बराबर, अरे इक्कीस और सात जोड़ दीजिए कितना हो गया अट्ठाईस, इक्का हो जाता आप लोग को आंसर, एन का मान कितना हो गया अट्ठाईस। यहाँ तक भी आप लोग आसानी समझ में आ गया होगा, बहुत हार्ड तो नहीं है प्रश्न, है ना। तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या टू देखते हैं, मैंने वन का टू, इसमें क्या दिया है, ए कितना है माइनस अट्ठारह, डी क्या है क्वेश्चन मार्क है, एन कितना है, कितना है दस, कितना है और एन कितना है जीरो, कितना है जीरो। तो हम लोग क्या लिखेंगे हल में, एपी का प्रथम पद को क्या बोलते हैं हम लोग, ए क्या बोलते हैं ए, ये कितना है माइनस अठारह और एन दिया हुआ है, तो पदों की संख्या, पदों की संख्या क्या बोलते हैं हम लोग एन, क्या बोलते हैं एन, बराबर कितना है दस। अंतिम पद, अंतिम पद को क्या होता है एन इजकल टू कितना दिया हुआ है जीरो, कितना दिया हुआ है जीरो। अब डी सार अंतर को क्या बोलते हम लोग डी, क्या बोलते हैं डी इजकल टू क्या है क्वेश्चन मार्क, इतना दूर समझ में आया। तो क्या है एपी का प्रथम पद ए कितना दिया हुआ है माइनस अठारह, पदों की संख्या एन कितना दिया हुआ है दस, और अंतिम पद ए एन कितना दिया हुआ है जीरो, कितना दिया हुआ है जीरो, और सार अंतर डी क्या है क्वेश्चन मार्क, क्या है हाँ। अब फिर फार्मूला बैठाएंगे हम लोग, ए एन का फार्मूला बैठाएंगे तो क्या फार्मूला होगा बोलिए तो, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्या होगा एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, बराबर नीचे क्या लिखेंगे बराबर ए, ए कितना है देखिए देख के बताइए माइनस अट्ठारह, प्लस है तो प्लस ब्रैकेट एन, एन कितना दिया हुआ देखिए हाँ दस माइनस वन, डी डी कितना है क्वेश्चन मार्क है ना, डी है नहीं है तो छोड़ देंगे। अब यहाँ देखिए ए एन, तो ए एन कितना दिया है देखिए हाँ ए एन जीरो, फिर से अगर कोशिश करते हैं समझने का, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन देखिए ए एन जीरो तो जीरो उठा दिए, बराबर नीचे बराबर ए माइनस अट्ठारह, प्लस है तो प्लस एन दस तो दस, माइनस है तो माइनस वन का वन डी, तो डी तो आपको पता ही नहीं है देखिए क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क। अब फिर से ध्यान देंगे, जीरो है तो जीरो, बराबर का बराबर माइनस अट्ठारह, प्लस दस में एक घटाएँ कितना बचेगा नौ, अब बगल में क्या है डी तो लिख देंगे डी, फिर से ध्यान देंगे जीरो का जीरो माइनस है इधर आ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा प्लस, तो ऐसे भी जीरो का वैल्यू नहीं होता है तो डायरेक्ट लिख देंगे हम लोग अठारह बराबर नौ डी, देखिए माइनस इधर आ क्या हो गया प्लस तो क्या बचा इधर नौ डी, नेक्स्ट बार नौ डी की इधर ले लाएंगे तो इधर क्या बन जाएगा अठारह, नौ डी किधर लाएंगे तो इधर क्या बच जाएगा अठारह, नेक्स्ट बार डी बराबर क्या हो जाएगा अट्ठारह और नीचे क्या हो जाएगा नौ, क्या होगा नौ, नौ टेबल कई बार पढ़ना तो अट्ठारह आएगा दो बार, तो डी का मान कितना आ जाएगा दो, ये आप लोग क्या हो जाता है आंसर। यहाँ तक भी दिक्कत नहीं होना चाहिए है ना, देखिए जीरो का जीरो माइनस अट्ठारह, दस में घटाएँ नौ और डी का डी, अब माइनस इधर आ क्या हो गया प्लस, जीरो में जोड़ेंगे तो सेम रहेगा प्लस नौ डी, नौ डी को इस साइड लाएँ और अठारह किधर ले गए, डी को छोड़ देंगे तो नौ कहाँ गया डिवाइड में, फिर डी नौ का टेबल कई बार बने तो अट्ठारह आएगा दो बार, तो दो बार यहाँ तक भी आप लोग का फनी समझ में आ गया होगा, बहुत हार्ड नहीं है। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या थ्री हल करते हैं, वन का थ्री, ये क्या है क्वेश्चन मार्क, डी कितना दिया हुआ है माइनस थ्री, एन कितना दिया हुआ है हाँ अरे एन कितना दिया माइनस फाइव है ना, तो हल में क्या लिखेंगे
एपी का प्रथम पद, क्या लिखेंगे, प्रथम पद को क्या बोलते हैं हम लोग, ए इक्वल टू क्या है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ नहीं है, और सार अंतर डी कितना दिया हुआ है, माइनस थ्री। पदों की संख्या क्या बोलते हम लोग, पदों की संख्या, इसको क्या बोलते हम लोग, एन कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है ना। और अंतिम पद क्या है, अंतिम पद को ए एन कितना दिया हुआ है, माइनस फाइव। समझ में आ रहा है मतलब ना। अब फार्मूला बैठाइए, ए एन बराबर क्या होगा, बोलिए ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, बोलिए ए एन बराबर क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कहीं पर है आप लोग को, देखिए तो माइनस फाइव कितना है, माइनस फाइव, तो एन की जगह हम क्या लिख देंगे, माइनस फाइव बराबर का बराबर ए, ये देखिए तो है क्वेश्चन मार्क है तो ए छोड़ देंगे, प्लस है तो प्लस एन, एन कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है ना, माइनस वन। और डी, डी कितना है देखिए तो बताइए देख के, माइनस थ्री कितना है, माइनस थ्री, तो ब्रैकेट में लिख देंगे माइनस थ्री। समझ में आया, ए एन कितना है बाबू, माइनस फाइव, ए पता नहीं है छोड़ देंगे, प्लस है तो प्लस, एन एन कितना है 18 माइनस वन, और डी, डी कितना है माइनस थ्री, तो ब्रैकेट में लिखना है। अब बताइएगा माइनस फाइव क्या लिखा, माइनस फाइव बराबर है तो बराबर ए का ए प्लस 18 में वन घटाइए कितना बचेगा, 18 में वन घटाएंगे तो कितना बचेगा, 17, अब माइनस थ्री है ना, माइनस थ्री फिर से बराबर नीचे बराबर माइनस फाइव बराबर ए, प्लस माइनस क्या होता है हमेशा अपोजिट साइन का होता है, माइनस अपोजिट साइन क्या होता है, माइनस माइनस, और सतरतिया 51, सतरतिया कितना होता है 51 है ना। अब ध्यान देंगे माइनस फाइव अरे माइनस है ना, क्या है ये माइनस है ना, इधर आएगा हो जाएगा प्लस 51 बनेगा, माइनस फाइव है ना, इधर माइनस इधर आका बनेगा प्लस 51, और उधर क्या बन जाएगा ए। आप 51 में 5 घटाइए तो कितना बचेगा, 46 बचेगा, 51 में माइनस 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 46, और उधर क्या बचेगा ए, 51 बड़ा है इसलिए प्लस में साइन आया, ठीक है। एक इस साइड ले लाएंगे तो ये कितना बन जाएगा 46, ए कितना आ गया 46, ये आप लोग क्या हो जाता है आंसर, ये निकालना था ना, तो एक मान कितना आया 46, इतना दूर तक भी आसानी से आप लोग समझ में आ गया है ना। चलिए प्रश्न संख्या 4 को हम लोग हल करते हैं, ए कितना दिया हुआ है माइनस 18.9, और डी कितना दिया हुआ है 2.5, और एन क्या है क्वेश्चन मार्क, और एन कितना दिया 3.6, तो क्या लिखेंगे हम लोग हल में, एपी का प्रथम पद को क्या बोलते हम लोग, ए कितना है माइनस 18.9, डी को क्या बोलते हम लोग सार्वंतर, क्या बोलते हैं सार्वंतर डी इक्वल टू कितना है 2.5, अंतिम पद क्या है अंतिम पद को क्या बोलते हम ए एन, ये कितना दिया हुआ है 6, अब पदों की संख्या को बोलते एन इक्वल टू क्या है, कुछ नहीं दिया हुआ है ना, तो क्वेश्चन मार्क का बैठा देंगे, तो फार्मूला बोलिए ए एन का क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, पढ़ के बताइए तो ए एन बराबर क्या है प्लस एन माइनस वन इंटू डी। समझ में आ गया, याद भी हो गया, तो ए एन कितना दिया हुआ है 3.6, कितना है 3.6, तो 3.6 बराबर है तो
बराबर ए, ए कितना दिया हुआ है माइनस 18.9 प्लस एन कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है ना, तो क्वेश्चन मार्क एन छोड़ देंगे, वन है तो वन। और डी, डी कितना दिया हुआ है 2.5। समझ में आ गया इतना दूर तक? यस सर। फिर से देखिए, माइनस माइनस है कि 3.6 है, 3.6 बराबर है तो बराबर, ये क्या है माइनस 18.9 है प्लस एन माइनस वन, का है एन माइनस वन इंटू 2.5। इतना दूर क्लियर? आप बताइए 3.6 क्या लिखा हुआ, 3.6 ये माइनस है तो इक्वल की साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, तो बन जाएगा 18.9 बराबर एन माइनस वन, इधर क्या है 2.5। क्लियर? माइनस इधर का हो गया प्लस, एन माइनस वन और 2.5 छोड़ दिए। आप बताइएगा इसको जोड़ना है, क्या करना है, तो माइनस प्लस जुटेगा ना, तो कैसे जोड़ते हैं 3.6 और है 18.9 जोड़ना है, 9 6 15 को 5 हाथ में एक और 8 9 और 3 12 को 2 हाथ में एक और एक दो, 22.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 22.5 आ जाएगा, 9 6 15 को 5 हाथ में एक और 8 9 और 3 12 को 2 हाथ में एक और एक दो, 22.5 कितना आएगा 22.5। उधर क्या होगा n माइनस वन इंटू 2.5, ठीक है, तो 22.5 इसको नीचे ले लाएंगे तो बनेगा ऐसा 2.5 मल्टीप्लाई में है तो इधर का बन जाएगा डिवाइड बने, क्या बनेगा तो उधर का बन जाएगा n माइनस वन, ठीक है। अब देखिए 22.5 और यहाँ 2.5 है ना, तो पॉइंट के बाद एक अंक है, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक अंक है ना, पॉइंट के बाद कितना अंक है एक अंक, अब इधर भी पॉइंट के बाद का है एक अंक, हट जाएगा ना, तो क्या बन जाएगा 2.25 बाई का बन जाएगा 2.5। क्लियर हुआ, बनेगा ना बराबर इधर का होगा एन माइनस वन, समझ में आया, पॉइंट के बाद कितना अंक है एक अंक, अब पॉइंट बाद कितना अंक है एक अंक, तो हट जाएगा दोनों पॉइंट पॉइंट, है ना, समझ सकते हैं बात को हम लोग, जैसे 22.5 बटा का है 2.5, कैसे हटेगा 2.25 बाई 25 इंटू 10 इंटू ऊपर भी क्या हो जाएगा 10, पॉइंट बाद एक अंक तो नीचे 10 आया, अब पॉइंट बाद एक अंक तो ऊपर 10 गया, तो 10 आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो 2.25 बटा 25 बचेगा 2.25 बटा 25। 25 के टेबल कितना बार पढ़ेंगे तो आएगा 225, 9 बार, कितना बार पढ़ेंगे 9 बार, 25 नवा 225। अब क्या होगा इधर 9 लिखेंगे उधर क्या लिखेंगे n माइनस वन लिखेंगे ना, 9 का 9 माइनस इधर का हो जाएगा प्लस वन, उधर का हो जाएगा n, इसको जोड़ दीजिए 9 और कितना हुआ 10, उधर n, n किधर ले लाएंगे ना उधर का बन जाएगा 10, टेन का मान कितना आ गया 10, कितना आया 10, तो क्या हो जाएगा आप लोग को आंसर, यहाँ तक आप लोग समझ में आया, गुड वेरी गुड। प्रश्न संख्या 5 को हल करते हैं, ठीक है, ए कितना दिया हुआ है 3.5 और डी कितना है जीरो, एन कितना दिया है 1.5 और एन कितना है नहीं है दिया हो ना, तो क्वेश्चन मार्क है, इसको निकालना है ना, तो हल हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, ए पी का प्रथम पद को क्या बोलते हैं हम लोग ए, क्या बोलते हैं ए, तो कितना दिया हुआ है 3.5, कितना दिया हुआ है 3.5 सार अंतर को बोलते हैं डी, ये कितना दिया हुआ है जीरो, सार अंतर डी कितना दिया हुआ है जीरो, एन को क्या बोलते हैं हम लोग पदों की संख्या, पदों की एन इक्वल टू क्या दिया हुआ है 105। अंतिम पद क्या बोलते हैं हम लोग, अंतिम पद को क्या बोलते हैं हम लोग ए एन इक्वल टू क्या है क्वेश्चन मार्क, दिया हुआ नहीं ना है, दिया हुआ इसका मान नहीं ना, तो फॉर्मूला बोलिए
ए एन का फॉर्मूला बताइए तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एक बार पढ़ बताइए तो क्या लिखा हुआ है, बराबर ये क्या है प्लस एन माइनस वन इंटू डी, याद हो गया। ए एन कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है छोड़ देंगे, बराबर के नीचे बराबर ए, तो ए कितना है क्या लिखा हुआ है 3.5 प्लस एन, एन कितना है 105, कितना दिया हुआ 105 दिया हुआ है ना, माइनस वन, और डी डी कितना है 0, ध्यान दीजिएगा। ए ए कितना है 3.5 प्लस एन कितना दिया हुआ है 105 माइनस वन इंटू डी कितना दिया हुआ है 0, अरे एन पता नहीं है इसको छोड़ देंगे, 3.5 प्लस 105 में 1 घटाइए कितना बचेगा 104 बचेगा, 105 में 1 घटाएंगे कितना बचेगा 104 इंटू 0 बराबर के नीचे बराबर 3.5 प्लस इसको मल्टीप्लाई करने कहाँ हो जाएगा 0, 104 को 0 से मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा 0, कोई भी नंबर को हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है 0, वेरी गुड, बराबर के नीचे बराबर इसको जोड़ दीजिए 3.5, तो ए एन का मान कितना आ गया 3.5, तो क्या हो जाता आप लोग को आंसर, तो एन का मान निकालना था ना, और एन का मान कितना निकला 3.5, यहाँ तक भी आप लोग आसानी समझ में आ गया होगा। और ये वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, और इसी तरह से जैक बोर्ड से जुड़े प्रश्न को है ना आप लोग देखने के लिए हमारे चैनल में बने रहिए, और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय 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 बच्चे।